आज जो मैं आपके सामने एक तो जो एस ओ पीज की खिलाफ वर्जी हुई है उस हवाले से जो जुमे तक यानी दो दिन कबल जुमे तक जो कार्रवाइयाँ हमारे पूरे सूबे में हुई है वो मैं आपके सामने रखूँगा तफसीत के मुताबिक सुबह भर के मुख्तफ अजला के इंतजामिया ने अब तक दस हज़ार नौ सौ तीन दुकानों को मायना किया जिनमें तीन हजार आठ सौ चौरानवे दुकानों की एस ओ पीज के मुताबिक पाया गया दो हजार नौ सौ इक्यासी दुकानों को वार्निंग दी गई दो हजार सात सौ इक्यावन दुकानों को एस ओ पीज की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया जबकि चार सौ नब्बे दुकानों को खिलाफ वर्जी पर सील किया गया इसी तरह चार सौ चौवन मार्केटों में से चौदह मार्कीटों को एस ओ पीज के खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया है जबकि पैंतीस मार्कीटों को सील सील किया गया है एक सौ उनचास बस अड्डों में से आठ को एस ओ पीज की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया गया है जबकि 16 बस अड्डों को सील किया गया है। इस तरह पैंतीस पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का मुआयना किया गया है जिनमें एक गाड़ियों को एस के की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया जबकि बयासी गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई और इसके अलावा जिली इंतजामिया ने सुबह भर में 5,500 हजार सौ पचहत्तर इंडस्ट्रियल यूनिट्स का मुआयना किया जहाँ पर पंद्रह इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइंस के खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया जबकि सैंतीस इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील किया गया इस तरह ग्यारह हजार छह सौ चौरासी अवामी मकाम का मुआयना भी किया गया जहां पर चार सौ अठासी अफराद को एस ओ पीज की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया और सूबे के मुख्त अजला में इंतजामिया ने सात सौ छत्तीस पेट्रोल पम्प का मुआयना भी किया जहाँ पर एस ओ पीज की खिलाफ वर्जी के नतीजे में उनस, उनसी पेट्रोल पंप पर जर्मानत आयद किए गए जबकि छियालीस पंप्स को पेट्रोल पंप्स को, को सील किया गया है इस तरह रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक मुख्तलिफ़ अजला के इंतजामिया ने कुल तैंतीस हजार एक मुआयने किए हैं जहां पर कुल पैंतीस सौ तिरपन कारोबारों पर जर्मानद आयद किए गए हैं और आठ सौ ग्यारह कारोबारों को सील किया गया इस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वजह से जिन जिन पेट्रोल पंप पर बगैर किसी वजह से पेट्रोल पम्प का मसनू बरान पैदा करने की कोशिश की है इनकी खिलाफ वर्जी में सुबह भर के इंतजामिया ने भरपूर कार्रवाइया की है और दूसरा मैं ये भी इस मौके पर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो हमने स्पेशली जो हमारे जो आटा और गंदम का जो हमारा मसला था उस हवाले से आज चीफ मिनिस्टर खैबर पखतुनख्वा वजीर मोहम्मद खान साहब जो है वो आज वजी अजम साहब से इस हवाले से मीटिंग भी कर रहे हैं और उस चीज को वहाँ पर उठा रहे हैं जो जहाँ तक पेट्रोलियम की मसनूआत का ताल्लुक है उसमें डिस्ट्रिक्ट हमारे पूरे सूबे में हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया इस वक्त आ, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कार्रवाइया कर रही है लेकिन इसके साथ जो तरसील है जो कंपनियों की तरफ से पेट्रोल पंप्स को पेट्रोल या डीजल आ रहा है उस हवाले से जहाँ पे वो शाटे आ रही है उस हवाले से हमारे वजीर अला साहब ने वफाक के साथ इस चीज़ को टेकअप किया है और इस तरीके से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी सेक्रेटरी पेट्रोलियम के साथ टेकअप किया गया है इन श्ला पेट्रोलीम का जो ये मसनूही किलत है इसको इनशाला तारी हमने काबू पा लिया और इन इसको आगे जो कमी बेशी है वो एक आध दिन में हम इसको वो करेंगे इस तरीके से मैं जो स्पेशली जो इस वक्त हमारे कल जो हमने वो जारी किए हैं सुबह भर के उनचास अस्पताल ये सातवीं कैप हैं जो एस हम दे रहे हैं सुबह भर में उनचास अस्पतालों की तिबी अमले को कोरोना वायरस से निपटने के लिए हिफाती सामान की सातवीं केप हमने मुहैया कर दिया है एन डी एम ए के तावन से बावन हजार तीन सौ पंद्रह एन नाइन्टी फाइव मास्क छब्बीस हजार सौ बाईस के एन नाइन्टी फाइव मास्क शामिल है चार लाख तीस हजार सर्जिकल फेस मास्क सात हजार नौ सौ पच्चीस जो सूट्स हैं जो किट्स हैं 18,244 सर्जिकल गाउन भेज दिए गए हैं इस तरह दस हजार सौ सर्जिकल दस्ताने कैप्स, सौ शूज कवर चौतीस चौंतीस सौ पचहत्तर फेस शील्ड और ग्यारह सौ पचपन जो है हिफाजती एन के मुहैया कर दी गई है अस्पतालों को हिफाजती सामान की तकसीम में एन डी एम ए के वाजे करदा तरीके

जो है एक लाख उनसठ हजार तीन सौ दो हिफाजती सूट पचासी हजार एन नाइनटी फाइव मास्क में दिगर जरूरी सामान मुतल इधारों को हॉस्पिटल्स को भिजवा दिए गए हैं ये कल की जो आ, कल तक जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख रख लिया इस तरीके से आ, मैं बात करूंगा कि पूरी जो हमारी आ, जो हॉस्पिटल है तीन जो हमारे बड़े हॉस्पिटल है लेडी रीडिंग अस्पताल एल आर एच एच एम सी और के टी एच उसमें जो कैपेसिटी है उसको हम बना, बढ़ा रहे हैं क्योंकि इन हॉस्पिटल पे पूरे सुबह का बोझ है और इनके ऊपर ज्यादा रश आ, जो है इन हॉस्पिटल्स पे है उसके लिए हमने एच डी यू जो यूनिट्स हैं वो सुबह के दिगर और खासकर जो पिशावर और सराउंडिंग एरियाज में हॉस्पिटल्स हैं उसको हम ने कन्वर्ट कर दिया वहाँ पे हमने एच का जो है जो जो जरूरी वो है वो हमने वहाँ पे बेड्स लगा दिए गए वो जो जरूरी वो कर दिए गए इस वक्त तमाम हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और जो बड़े हमारे हॉस्पिटल है पिशावर में इस वक्त कपेसिटी का आज के दिन तक कोई मसला नहीं है अगेन मैं ये बात करूंगा कि वो जो हिफाजती इकदाम हैं जो एस ओ पीज है उस पर हम अमल दरामद करेंगे तो इन शह तरना वबा को जो शिकस्त देना है इन हम देंगे आ, इस मौके पर दो चीजें मैं आ, आपके सामने रखना चाहता हूँ एक कल आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पे पिशावर में जहां पे दोन तीन चीजें मैं उनके सामने रखना चाहता हूं और आप लोगों के सामने और फिर बिलावल ने भी कल बात की है उसका भी मैं खैबर उन्होंने नाम लेकर जो बात की है मैं उनको ये बताना चाहता हूँ पहले मैं बिलावल को ये जवाब दूंगा आप का एक जो बड़ा प्रॉब्लम है सिंध हुकूमत का या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का ये खलवतों में कुछ कहते हैं जलवतों में कुछ कहते हैं एन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चेयर करते हैं तमाम मीटिंग्स में ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद चुके इसका एक तो आई विटनेस हूं खुद इस मीटिंग्स में मैं होता हूं खैबर पख्तुखा अपने वजीर अला महमूद खान साहब के साथ इन मीटिंग्स में मुतवा और सबसे पहले जो टाइम एनसीसी में मिलता है रिकॉर्ड के लिए मैं बता रहा हूं मैं वजीला साहब से मुखातिब होकर कह रहा हूं सबसे पहले टाइम और सबसे ज्यादा टाइम वह वजीरला सिंह साहब लेते हैं एनसीसी की मीटिंग में और जितने तजावीज उनके होते हैं जितनी चीजें होती हैं यह पहली दफा तारीख में हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जितने भी फैसले किए वो सूबों के साथ सिंध बलोचिस्तान केपी पंजाब के वजीरला बशमूल गिलगित गिल बलिस्तान -गिल 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 के वजीरला और बश, ब, बशमूल वजीर आजम आजाद कश्मीर सारे फैसले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दो दो तीन तीन घंटे करके किए और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं शाम को टीवी पे आ जाते हैं तो मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं वजीराला कुछ कह रहा है उनके जो लीडर है बिलावल वो कुछ और कह रहा है इसलिए मैं उनको बता रहा हूं कि खुदारा यह जो पॉलिसी है यह खलवतों और जलवतों में इसमें हकीकत पसंद बने जो बात आप लोग करते हैं हमारे साथ और इसमें मैंने जितने लोग कोर्ट किए इसमें कोई डिनाई कर सकता है कि मैं जो बात कर रहा हूं ये गलत है या कि क्या इस तरह नहीं था कि सबसे ज्यादा टाइम जो है वजीराला अला मुराद अली शाह साहब को मिलता है हर मीटिंग्स में अच्छा दूसरी बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की गई है कि जी वहां पर डेथ देखिए पहली बात तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कुछ भी नहीं छुपाया जो गाइडलाइन थे डब्ल्यूएचओ के उसके मुताबिक हमने अपने आवाम से कुछ नहीं छुपाया पहले दिन से हम बता रहे